हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है रिग्रेशन इक्वेशन। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि कैसे हम y की वैल्यू निकालते हैं अगर x हमारा दिया हो तो। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन है हमारा, ऑब्टेन रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x एंड एस्टीमेट y व्हेन x इज इक्वल टू 10 फ्रॉम द गिवन डेटा। ठीक है, तो इसमें देखो हमें y की वैल्यू निकालना है कि y की वैल्यू क्या हो सकता है अगर मेरा x की वैल्यू 10 हो तो। ठीक है, तो हमें बताना है कि x की वैल्यू 10 हो तो y की वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो इन दोनों वेरिएबल में देखो y जो है हमारा ये है डिपेंड वेरिएबल। ठीक है, और ये जो x है ये है हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि y डिपेंड ऑन x। ठीक है, y जो वेरिएबल है ये डिपेंड कर रहा है x के ऊपर। ठीक है, तो ये जो हमारा इक्वेशन बनेगा इसमें इक्वेशन बनेगा y ऑन x का। ठीक है, y ऑन x में हमारा इक्वेशन क्या होता है, y का हम इक्वेशन निकालते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो भी इक्वेशन आता है इस इक्वेशन के अंदर मैं यहाँ पे x का वैल्यू रखता हूँ। जैसे यहाँ पे x का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू मेरा 10 है, तो इस इक्वेशन में मैं x का वैल्यू 10 पुट करूँगा तो मेरा y का वैल्यू यहाँ पे निकल करके आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मेरा काम क्या होगा, मेरा काम होगा कि y ऑन x का इक्वेशन निकालना और उस इक्वेशन में x का वैल्यू रखना तो y का वैल्यू मिलेगा। ठीक है, तो चलो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं ये देखते हैं। फ्रेंड देखो ये दोनों सीरीज दिया है, सबसे पहले इन दोनों सीरीज को आपको लिखना है। ठीक है, लिखने के बाद आपको x इंटू वाई निकालना है। ठीक है, x इंटू वाई कैसे निकालना है, वन में टू से मल्टीप्लाई होगा तो टू आएगा, टू में फोर से मल्टीप्लाई होगा तो एट आएगा। ठीक है, इस टाइप से करके x सीरीज में और y सीरीज में आपको मल्टीप्लाई करना है, आपको मिलेगा x इंटू वाई। ठीक है, इतना निकालने के बाद आपको इसका टोटल करना है, तो समीशन ऑफ x इंटू वाई का टोटल आएगा 110। ठीक है, उसके बाद आपको एक्स स्क्वायर निकालना है। एक्स स्क्वायर निकालने के लिए ये जो एक्स सीरीज है इसका आप स्क्वायर करोगे। ठीक है, जैसे वन का स्क्वायर वन होगा, टू का स्क्वायर फोर होगा, थ्री का स्क्वायर नाइन होगा। ठीक है, उसके बाद आप वाई स्क्वायर निकालोगे। वाई स्क्वायर का ये जो वाई कॉलम है इसका आप डेटा को क्या करोगे, स्क्वायर करोगे। जैसे यहाँ पे दो का स्क्वायर फोर आएगा। ठीक है, यहाँ पे फोर का स्क्वायर सिक्सटीन आएगा। ठीक है, उसके बाद सिक्स का स्क्वायर थर्टी सिक्स आएगा। ठीक है, वाई स्क्वायर मिल गया, एक्स स्क्वायर मिल गया, एक्स इंटू वाई मिल गया। ठीक है, अब आपको निकालना है एन की वैल्यू। ठीक है, एन की वैल्यू देखो यहाँ पे फाइव होगा। नंबर ऑफ आइटम कितना है, वन टू थ्री फोर फाइव। ठीक है, नंबर ऑफ आइटम फाइव है तो आपका यहाँ पे एन की वैल्यू होगा फाइव। ठीक है, इतना करने के बाद आपको वाई स्क्वायर का टोटल निकालना है तो 220 आएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर का अगर टोटल निकालना है 55 आएगा। उसके बाद एक्स इंटू वाई का टोटल आएगा 110, वाई का टोटल आएगा आपका 30। ठीक है, और एक्स का टोटल आएगा 15। ठीक है, तो आपके पास हो गया है समीशन ऑफ एक्स, समीशन ऑफ वाई, एक्स इंटू वाई का समीशन, एक्स स्क्वायर का समीशन और वाई स्क्वायर का समीशन। ठीक है, इतना वैल्यू निकालने के बाद आपको निकालना है वाई ऑन एक्स का रिग्रेशन इक्वेशन। ठीक है, रिग्रेशन मैं लिखूंगा वाई ऑन एक्स का रिग्रेशन इक्वेशन। ठीक है, इसमें ये फार्मूला मैं यूज़ करूँगा। इस फार्मूले में देखो हमारा यहाँ पर बी वाई एक्स की वैल्यू मांग रहा है, उसके बाद यहाँ पर हम रखेंगे वाई का मीन और एक्स का मीन। ठीक है, तो इन तीनों वैल्यू को मैं क्या करूँगा, अलग से कैलकुलेट करूँगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे बी वाई एक्स मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर रहा हूँ। बी वाई एक्स मतलब होता है हमारा इफिशियंट ऑफ रिग्रेशन इक्वेशन वाई ऑन एक्स की वैल्यू। ठीक है, ये बी वाई एक्स को हम बोलते हैं को इफिशियंट। ठीक है, तो इसका वैल्यू निकालने के लिए मैं यहाँ ये फार्मूला यूज करूँगा। इस फार्मूले में मैं वैल्यू रखूँगा यहाँ से टेबल से। ठीक है, जैसे देखो फार्मूले में एन है तो मैं यहाँ पर एन की वैल्यू कितना है, फाइव, तो मैं यहाँ पे फाइव रखूँगा। एक्स इंटू वाई का समीशन, एक्स इंटू वाई का समीशन कितना है, 110 है, तो मेरा यहाँ पे 110 आएगा। ठीक है, इस टाइप से करके आपको ये सभी वैल्यू पुट करना है आपको इस फॉर्मूले के अंदर। ठीक है, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करने के बाद आपको इसे कैलकुलेटर से सॉल्व करना है। ठीक है, कैलकुलेटर से जैसे सॉल्व करते हो तो आपको बी वाई एक्स मिलेगा टू। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे को एफिशियंट ऑफ रिग्रेशन इक्वेशन वाई ऑन एक्स की वैल्यू मिलेगा टू। ठीक है, अब तो अब ये जो टू है ना, इस टू को आप यहाँ पे रखोगे ये बी एक्स की जगह पे। ठीक है, अब देखो आपको रखना है वाई का मीन और एक्स का मीन। ठीक है, तो फिर अगेन आपको वाई का मीन और एक्स का मीन अलग से कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो देखो मैं यहाँ पे कैलकुलेट करके रखा हूँ, एक्स का मीन मेरा आएगा थ्री और वाई का मीन आएगा मेरा सिक्स। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक्स का मीन और वाई का मीन मैं रखूँगा। एक्स का मीन मेरा कितना है थ्री, तो मैं यहाँ पे थ्री रखूँगा। वाई का मीन कितना है सिक्स, तो मैं यहाँ पे सिक्स रखूँगा। ठीक है, मैं बना रहा हूँ वाई ऑन एक्स का रिग्रेशन इक्वेशन। ठीक है, तो मतलब कि मेरा जो इक्वेशन बनेगा वाई के फॉर्मेट में बनेगा। ठीक है, वाई इज इक्वल टू समथिंग आएगा जो भी आएगा। ठीक है,
तो मैं क्या करूँगा, अब देखो इधर वाई बचेगा, इधर सिक्स बचेगा, अब इन दोनों में मल्टीप्लाई होगा तो टू एक्स आएगा, अब फिर दो में थ्री से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस में सिक्स आएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो माइनस में सिक्स है ना, इस सिक्स लेफ्ट साइड से राइट साइड लेकर के आऊँगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनल जो मेरा वाई का इक्वेशन बनेगा कुछ ऐसा बनेगा, वाई इजक्ल टू टू एक्स। ठीक है, तो मैं ऐसा लिखूँगा, रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ वाई ऑन एक्स का मेरा रिग्रेशन इक्वेशन बनेगा y इजक्ल टू टू एक्स। ठीक है, अब y इजक्ल टू टू एक्स के बाद मैं क्या करूँगा, इसमें मैं x की जगह पे 10 रखूँगा। ठीक है, देखो मुझे 10 पे वैल्यू निकालना है y का। ठीक है, तो मैं x की जगह पे यहाँ पे 10 पुट करूँगा। ठीक है, तो y इजक्ल टू टू मल्टीप्लाई एक्स की जगह पे मैंने क्या रखा, 10 रख दिया। ठीक है, तो 10 रख, मैं ऐसा लिख सकता हूँ, फॉर x इजक्ल टू 10 पे मेरा वाई का वैल्यू मिला कितना, 20। ठीक है, और यही मेरा करेक्ट आंसर होगा। तो फ्रेंड ये जो वाई एक्स के साथ है ना आपका टू, इसको हम बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन इक्वेशन वाई ऑन एक्स। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे कोएफिशिएंट आपका कितना है, दो है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक्स के साथ कितना है, दो है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन इक्वेशन वाई ऑन एक्स। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको याद करके रखना है। फ्रेंड आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।